तुम में से काफी सारे स्टूडेंट्स मेरे को ये क्वेश्चन कर रहे थे कि भैया द सर्कुलर दैट हैज बीन सेंट टू ईच एंड एवरी स्कूल बाय सीआईसी काउंसिल, इसके अंदर क्या क्या बोला गया है, राइट? मतलब प्रॉक्टर्स, बफर प्रॉक्टर्स, आईआईटी सपोर्ट एग्जीक्यूटिव्स, डेटा ऑफ स्टूडेंट्स, मतलब व्हाट इज ऑल दिस थिंग्स, ठीक है? एंड भैया जो आप सर्कुलर का जिक्र कर रहे थे, ये सर्कुलर तो कहीं पे नहीं है यार। हाँ, ऑब्वियसली ये सर्कुलर में बार बार एक ही चीज कह रहा हूं कि ये ओनली स्कूल को भेजा गया है, राइट? नॉट टू यू, राइट? अच्छा, स्कूल के प्रिंसिपल को भेजा गया। भैया क्या बोला गया है इसके अंदर? ये बोला गया है कि दिस इज फर्दर टू आवर सर्कुलर वेदर यू हैव बीन inform that semester 1 online examination will be conducted in the month of November and December, right? And they ask some kind of data. What are those? You can say that it may noted that candidates can take this examinations either from home or from school, while preference would be take the examination from school with the parents concerned mandatory, and examinations to be taken with the parents concerned, right? ये तो हो गया, मतलब पेरेंट्स के बात सुन के देना पड़ गया। बहुत सारे स्कूल ऑलरेडी इसके ऊपर तुमसे कंसेंट ले लिए, राइट? अच्छा, अभी बात आता है कि भैया एग्जाम्स तो होगा, ठीक है, बट कुछ चीजें इस चीज के अंदर है, इस नोटिस के अंदर है, वो आप थोड़ा समझाइए, ठीक है? ये क्या लिख के रखे हो? हाँ यार, मैं हर एक चीज समझाऊंगा, क्या क्या डेटा बोला गया है। एंड इनविजिलेटर्स मीन्स ऑनलाइन प्रॉक्टर, ये प्रॉक्टर क्या है एंड कितने स्टूडेंट के लिए कितना प्रॉक्टर रहेगा, व्हाट इज ऑल दोस थिंग्स, I will going to explain each and everything through this video. तो वीडियो के अंदर बने रहो, ठीक है? अच्छा, इसके साथ वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं दो बात बोलना चाहता हूँ। पहला बात तो ये कि क्या तुम लास्ट वीडियो देखे हो? अगर नहीं देखा, मैं ऊपर कार्ड में लिंक दूंगा, जाके देखो। अगर तुम्हारे स्कूल फोर्स कर रहे तुमको फॉर गिविंग एग्जाम फ्रॉम होम और फॉर गिविंग एग्जाम फ्रॉम स्कूल, तो दैट इज अ वेरी बैड थिंग। You can take action against it. Three new batches that has been launched by An Academy for CLAT aspirants. ठीक है, एक है तुम्हारे ACE लो जो start हो रहा है from 4th of October, English and Hindi के अंदर तुमको पढ़ाया जाएगा, ठीक है? Second है यार हमारे Mighty Legal, ये भी यार एक साल के comprehensive batch है जो कि start हो रहा है from 6th of October को, जिसके अंदर भी यार English and Hindi के अंदर तुमको पढ़ाया जाएगा, जो दो साल के comprehensive batch है। Third है हमारे Justice Serve, जो कि एक beginners batch है या फिर beginning batch है for CLAT 2023 aspirants, and 8th of अक्टूबर से ये स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है? हर एक चीज के अंदर रेजन फीचर्स, 50 प्लस एडिशनल मॉक टेस्ट एंड एडिशनल टेस्ट, मंथली सीएस तो है ही, ठीक है? इसके साथ यू कैन यूज माय कोड, दैट इज आकाश टॉक्स। अगर ये कोड बहुत लोगों ने ऑलरेडी यूज कर चुके हो, अगर तुम लोग भी कर सकते हो फॉर क्लैट और फॉर जेई मेंस और फॉर गेट और फॉर एनी अदर काइंड ऑफ सब्सक्रिप्शंस दैट यू कैन दैट यू आर टेकिंग फ्रॉम An Academy, अगर ये वाला कोड यूज करोगे तो हर एक चीज में करना 10% डिस्काउंट तुमको मिलेगा, ठीक है? इसके साथ साथ चेक करो डिस्क्रिप्शन एंड चेक An Academy's YouTube चैनल फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। अच्छा, तो फर्स्ट इज दैट कि भैया डेटा क्या क्या डेटा लिया गया, दो टाइप ऑफ डेटा मांगा गया बाय सीआईसी काउंसिल। एक है तुम्हारे डेटा ऑफ प्रॉक्टर्स, बफर प्रॉक्टर्स एंड आईडी सपोर्टर्स, एंड नंबर टू इज डेटा ऑफ स्टूडेंट, ठीक है? मतलब भैया प्रॉक्टर्स कितना स्टूडेंट के लिए कितना प्रॉक्टर रहेगा, यू कैन से इज दैट कि 1:25 इज अ प्रॉक्टर रेशियो, मींस एक प्रॉक्टर रहेगा 25 स्टूडेंट के लिए। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, बहुत ही क्लियर हो गया। नंबर टू बन गया, नंबर टू बन गया कि व्हाट इज बफर प्रॉक्टर, यार 50 स्टूडेंट के लिए एक बफर प्रॉक्टर रहेगा एंड अ स्कूल कैन हैव मैक्सिमम ऑफ 3 बफर प्रॉक्टर एट अ टाइम। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू बी नोटेड, ठीक है? तुम लोग कमेंट सेक्शन में बताना कि क्या क्या ये सही है या गलत, एंड तुम कहां से एग्जाम देने वाले हो, whether you want to give exam from school or from home, ठीक है? अच्छा, तीसरा पॉइंट ये है कि आईटी एग्जीक्यूटिव, भाई व्हाट डू यू मीन बाय आईटी एग्जीक्यूटिव, यार प्रॉक्टर्स एंड ब्राफर प्रॉक्टर्स तो हो गया, मतलब जो हमको चेक करने वाले हैं, जो इन्विजिलेटर्स होगा ऑनलाइन में हमको मॉनिटर करेगा, वो है प्रॉक्टर्स एंड ब्राफर प्रॉक्टर्स, राइट? अच्छा, आईटी एग्जीक्यूटिव मतलब ये है कि अगर कुछ भी इश्यूज आ गया है रिगार्डिंग ऑन दैट केस, ये आईटी एग्जीक्यूटिव तुमको हेल्प करेगा, डील करेगा, एंड 100 स्टूडेंट के लिए एक आईटी एग्जीक्यूटिव रह सकते हैं, एंड एक स्कूल का सिर्फ 3 ही मैक्सिमम आईटी एग्जीक्यूटिव हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, इफ योर स्कूल है 437 स्टूडेंट, ऑन दैट केस योर स्कूल कैन ओनली हैव 3 आईटी एग्जीक्यूटिव। इफ योर स्कूल है 180 स्टूडेंट, ऑन दैट केस ओनली 2 आईटी एग्जीक्यूटिव इज नीडेड फॉर द सेम। सो
डेटा ऑफ प्रॉक्टर्स एंड बफर प्रॉक्टर्स और आईटी एग्जीक्यूटिव, क्लियर हो गया काइंड ऑफ? ठीक है, ये हर एक स्कूल को देना है फ्रॉम 12th of October विद इन दिस मंथ। ठीक है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अभी हमारे सेकंड पॉइंट में वो ये है कि डेटा ऑफ स्टूडेंट, भैया क्या क्या डेटा मांगा गया ऑफ स्टूडेंट अकॉर्डिंग टू दिस नोटिस। ठीक है, कितना स्टूडेंट घर से एग्जाम दे रहा है एंड कितना स्टूडेंट्स को स्कूल जाके एग्जाम दे रहा है, ये चीज पूछा गया है बाय सीआईसी काउंसिल। ठीक है, तुम कहां से एग्जाम देने वाले हो कमेंट में बताना। ठीक है, अच्छा बहुत बढ़िया। अच्छा, तुम कौन से डिवाइस से एग्जाम दोगे, ये इसका भी इंफॉर्मेशन पूछा गया है बाय सीआईसी काउंसिल, दैट वेदर यू वांट टू गिव योर एग्जामिनेशन फ्रॉम लैपटॉप और थ्रू योर फोन और फ्रॉम योर टैब्स और ETC, बट उसका भी चीज तुमको बोलना पड़ेगा टू योर स्कूल, ताकि स्कूल ये चीज इन्फॉर्म करेगा सीआईसी काउंसिल को। एम आई राइट? ठीक है, अच्छा इसके बाद क्या है, जिस डिवाइस से तुम एग्जाम देने वाले हो उस डिवाइस का कैमरा एंड माइक्रोफोन एक्सेस होना चाहिए, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तुम सस्ता चाइना वाला फोन से भी एग्जाम दे सकते हो, बट उसका माइक्रोफोन एंड कैमरा एक्सेस होना चाहिए। बाय द वे, तुम कौन सा डिवाइस देने वाले हो कमेंट में बताना, एंड कौन सा मोबाइल है, एप्पल आईफोन या फिर रियलमी, रेडमी, ओप्पो, नोकिया, सैमसंग, व्हाटएवर, कमेंट में बताना तुम्हारा खुद का कौन सा स्मार्टफोन है। ठीक है, एंड क्या तुम आकाश भैया का वीडियो हर एक वीडियो देखते हो, ये भी मेरे को बताना कमेंट में। ठीक है, अच्छा ये हर एक इंफॉर्मेशन स्कूल को सबमिट करना है, जमा करना है, बोल सकते हो विद इन 18th of October ऑफ दिस मंथ। ठीक है, कहा किसको देना है यार, देना है तुम्हारे सीआईसी काउंसिल को। ये हम लोग का नोटिस, ये दोनों डेटा मांगा गया है, जाके देख सकते हो, ये है नोटिस, मैं बहुत शॉर्ट में बोल दिया। अभी तुम लोग इस चीज के बारे में तुम्हारा क्या राय है बताना मेरे को जरूर थ्रू दिस कमेंट सेक्शन, एंड आई रिक्वेस्ट, आई बेग यू कि ये वाला वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे कोई व्यक्ति तुमको समझाएगा नहीं यार, प्लीज शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स। तब तक के लिए चलते हैं, सी या, हैव अ वेरी गुड टाइम, गुड बाय, गुड नाइट एंड कीप वॉचिंग आकाश।